मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सिर्फ 12,000 नौजवानों की हमराही में बाबर सरजमीन हिंद में दाखिल हुआ, पानीपत के मैदानों को लालजार बनाता हुआ आगे बढ़ा। इब्राहिम लोदी का दौर खत्म हो गया। अमन सुकून हिंदुस्तान के गोशे गोशे में बाबरी तलवार की गर्दिशें फैलाती रहीं। वो आखिरी कले के अंदर दाखिल हुआ, अलम्बरदार को हुक्म दिया कि झंडा कले की फसील पर नस्ब कर दो। यक बयक अजीब और गरीब आवाज आई, आगे कदम ना बढ़ाइएगा, आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए। किससे कह रही हो? उस बाबर से जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं। लड़की, जबान का नहीं तलवार का हुक्म चाहिए। औरत पर हमने कभी तलवार नहीं उठाई। तो फिर किस लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? अब इन खंडरों में रखा ही क्या है? आबरू के चंद मोती और आजादी का ये झंडा जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारी आजादी और अस्मत का डाकू बनकर नहीं आया हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं आप? हमारी हिफाजत। शुक्रिया, मेरी हिफाजत को ये तलवार मौजूद है। बाप का साया उठ जाने के बाद एक नौजवान लड़की अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। तो आप बादशाह बनकर इस फर्ज को अंजाम देना चाहते हैं? मत भूलो राजकुमारी, बादशाह रियाया का बाप हुआ करता है और तुम तो राजकुमारी हो। याद रखो, मेरी बेटी बनकर रहोगी। लेकिन ये झंडा इसी तरह उड़ता रहेगा? जरूर उड़ता रहेगा, लेकिन मेरी बेटी बन जाने के बाद। वचन देते हैं? बाबर का वादा, मरते मरते उसकी औलाद को भी वफा करना पड़ेगा। तो बाप के लिए बेटी के किले का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। शहजादे, जाओ, बहन की आजादी का ये झंडा तुम अपने हाथों से बुलंद करो। बहुत खूब तबले आलम। परवरदिगार, इस झंडे को हमेशा इसी शान से बुलंद रखना। पिताजी, पिताजी। कुमार, कुमार, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे कातिल के खून का टीका मैं अपने माथे पर नहीं लगा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। कुमार,
आज राजपूतों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। तुम राजपूती शान के मालिक कहलाते हो। जान से ज्यादा मेहमानों का ख्याल रहे, परिंदा पर ना मार सके, वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे। दुनिया पुकार पुकार कर कहेगी कि राजपूतों ने घर बुलाकर धोखे से काम लिया। कुमार, आधी रात गए आप। सुना तो होगा चदेरी तबाह हो गई। पिताजी की हड्डियां अभी तक चिता में सुलग रही हैं। उनको ठंडा करने के लिए थोड़े से खून की जरूरत है। किसके खून की? हुमायूं के खून की, जो इस किले में चैन से सो रहा है। अब किस काम आएगा ये खून? मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उसके खून से मेरे माथे पर टीका लगेगा। ऐसा तो अब ना होगा कुमार। मैं तुम्हारे नए नाते की कहानी सुन चुका हूँ। जानती हो, इसे कहते हैं राजनीति। कुछ भी सही, लेकिन इस समय हमारे मेहमान हैं। मैं तुम्हारे मेहमान पर सोते में वार नहीं करूंगा राजकुमारी। अच्छी तरह जानती हूँ कि आप राजपूत हैं। तो फिर क्यों डरती हो? डरती नहीं हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी राजपूत हूँ। अगर आप मेरे मेहमान पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो पहले मेरे और आपकी तलवार चलेगी। शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा होने वाला। भला भूल सकती हूँ? दिल के कोने कोने पर आपकी हुकूमत है राजकुमार, लेकिन आप इस प्रेम के मोल में मेरी आन, मेरा धर्म, मेरी इंसानियत नहीं ले सकते। मुश्किल तो यह है कि न मैं तुम्हें ही छोड़ सकता हूँ और ना अपने पिताजी के कातिल को माफ कर सकता हूँ। इसलिए इस बात का फैसला तुम्हारी सरहद के बाहर होगा। सुनिए तो, अब उसी वक्त सुनूंगा जब हुमायूं के खून का टीका मेरे माथे पर लगेगा। Thank you.
नींद आ सकती है जबकि मेरी बेटी जाग रही हो। आज की रात भगवान ने मेरे सोने के लिए नहीं बनाई है पिता हुजूर। जिंदगी और मौत उसके हाथ है बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सच है पिता हुजूर, लेकिन अगर इत्तेफाक से इस घर में कोई बात आप लोगों के साथ हो गई तो हमेशा के लिए राजपूतों के माथे पर कलंक का टीका बनकर रह जाएगी। रब्बुल इज्जत की कसम, मुझको फख्र है कि तुम ऐसी बहादुर लड़की मेरी बेटी बनी। ये तो मुझको फख्र होना चाहिए कि आप ऐसे सूरमा की बेटी बनी। एक बात पूछूं? पूछिए। वादा रहा कि मेरी बेटी सच सच बता देगी? मैं वचन देती हूँ। ये अभी कौन आया था? बेटी, वचन दे चुकी हो। चंदेरी कुमार। कौन है ये? तुम्हारा क्या रिश्ता है जी? बताओ तो बेटी। बेटी, पिता हुजूर के होने वाले। क्या कहा? मेरे होने वाले? खुदा मुबारक करे। हिंदुस्तान के बहादुरों, बाबर हिंदुस्तान को बर्बाद करने के इरादे से नहीं आया, तुम्हारे वतन को लूटने का इरादा हरगिज नहीं रखता। बाबर हिंदुस्तान को अपना वतन बनाने आया है। तुमको तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी जबान, हर चीज मुबारक। इन सब बातों के सिले में सिर्फ एक चीज चाहता हूं, तुम्हारी मोहब्बत। आपस में भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना। अगर इस नसीहत पर अमल करोगे तो याद रखो, हमारे जमाने में, हमारी औलाद के जमाने में, और अगर खुदा ना खास्ता हमारी सल्तनत चली भी गई तो हर जमाने में खुशहाल बनकर रहोगे। इस रिश्ते की पहली मिसाल हम और ये हमारी बहादुर बेटी है। ये राज पहले की तरह आजाद है। जो इस राज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा उसके खिलाफ हमारे खानदान का बच्चा बच्चा लड़ेगा। जय सिंह। अंदाजा अब ये तलवार तुम्हारे सुपुर्द की जाती है। ये वही तलवार है जिससे तुम्हारे बुजुर्ग इस राज की हिफाजत करते रहे। उम्मीद है कि तुम भी उसी शान से अपना फर्ज अंजाम देते रहोगे। अलीजा, हिंदुस्तान का तख्त ताज मुबारक हो। शुक्रिया शेर खान। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जहां पना शेर खान बेहद खतरनाक और ताकतवर आदमी मालूम होता है, इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हैदर मिर्जा, मुझे उसकी ताकत की कोई परवाह नहीं। रब्बुल इज्जत ने मेरे बाजू में भी काफी ताकत अता फरमाई है। अभी दिल नहीं भरा और आजमाना चाहते हो? जहां पना, मैं बहुत दूर देख रहा हूं। शहजादा हुमायूं की खातिर अर्ज कर रहा हूं, खुदा आपको लाखों बरस की उम्र अता फरमाए।
मिर्जा, अगर शहजादे में इतनी कुव्वत नहीं है तो शेर खां की गिरफ्तारी ला हासिल, मेरे बाद हजारों शेर खां पैदा हो जाएंगे। शहजादे उठो, कौन हो तुम? चंदेरी कुमार रणधीर। क्या चाहते हो? पिताजी के खून की कीमत। तो जगाकर कीमत वसूल करना चाहते हो? मैं राजपूत हूँ, शेर को जगाकर शिकार करना सिखाया गया है। मुकाबला चाहते हो? तो फिर क्या, गले मिलने आया हूँ? किसी से तो गले मिलना ही पड़ेगा, तो या मेरी तलवार से। सुभान अल्लाह, जहां पना बाबरी शान देख रहा हूं। पिता हजूर, इन दोनों को रोकिए। लड़ने दो बेटी, बहादुर लड़ाई करते हैं। क्या मजे की चोट चल रही है, जैसे दो शेर लड़ रहे हो। मुझसे नहीं देखा जाता, मैं रोकती हूँ। भगवान के लिए आप लोग मत लड़िए। तुम बीच में से हट जाओ। हाँ बहन, हट जाओ। शहजादे, कबले आलम, शिकस्त मान लो। क्यों कबले आलम? इसलिए कि कोई बाप अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बेवा होती नहीं देख सकता। लेकिन मैं सर हथेली पर रखकर आया हूँ और बदला लूंगा। जरूर बदला लो। शहजादे, अपनी कुर्बानी पेश करके इनका कलेजा ठंडा कर दो। बहुत खूब कबले आलम। झुके हुए सर पर राजपूतों का हाथ नहीं उठता है शहजादे। मैं बदला लूंगा, लेकिन उठे हुए सर से। कुमार, हमारे उठे हुए सर को सिवाय रब्बुल इज्जत के और कोई नहीं झुका सकता। भगवान के लिए ये इज्जत छोड़िए। तुम मत बोलो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। शायद पूरी हो जाती, लेकिन एक सूरत ऐसी निकल आई कि हम दुश्मन को प्यार करने पर मजबूर हो गए। खाली प्यार से काम न चलेगा शहजादे, चंदेरी इन्हें वापस कर दो। चंदेरी मुझे यूं नहीं चाहिए हुजूर, जिंदा रहा तो तलवार से ले लूंगा। अच्छा भाई, यूं ही सही। बेटी, आज की रात ये हमारे मेहमान है। लेकिन मेहमान बनने को मैं तैयार नहीं। बच्चे बुजुर्गों से जिद नहीं करते कुमार। और ये तो तुम्हारा और हुमायूं का झगड़ा है, आखिर भाई इसमें हमारा क्या कसूर? हैदर मिर्जा, आज की रात चंदेरी कुमार हमारे मेहमान है। बेटी, इन साहबजादे के दिमाग में गर्मी बहुत है, जरा इनके दिमाग पर केवड़ा और गुलाब छिड़कवा देना। आओ बेटे। केवड़ा और गुलाब छिड़क दूं? छिड़कना कुमारी, और जरूर छिड़कना, लेकिन हुमायूं के खून का टीका लग जाने के बाद। आखिर आपको क्या हो गया है? भूल जाइए, मेरी खातिर भूल जाइए, कह दीजिए ना। हाँ कुमारी, तुम जानती हो कि आज तक तुम्हारी हर बात पर मैं हाँ कहता रहा हूं, और तुम ये भी जानती हो कि बिना तुम्हारे ये जीवन एक ऐसा शरीर बनकर रह जाएगा जिसकी आत्मा खींच ली गई हो। लेकिन मैं मजबूर हूं, बदला लूंगा और जरूर लूंगा। उसको जरूर बदला लेना चाहिए हुमायूं। अगर मुझे किसी ने कत्ल कर दिया तो तुम्हारा क्या फर्ज होगा? बदला लोगे या नहीं? जरूर बदला लूंगा। बस किस्सा खत्म हुआ, वो भी बदला लेना चाहता है। लेकिन बादशाह अब्बा, मुकाबला बराबर का हुआ और वो मारे, फर्ज कीजिए, मैं ही मारा जाता। ठीक कह रहे हो शहजादे, लेकिन वो राजपूत नौजवान इस बात को नहीं समझ रहा है, और बहन की खातिर उसकी इज्जत तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगी, और बेटी की खातिर मुझे भी।
जो देश कल नहीं था वो देश फिर हमारा, जो देश कल नहीं था वो देश फिर हमारा। चमका है बादलों से, चमका है बादलों से डूबा हुआ सितारा, जो देश कल नहीं था वो देश फिर हमारा। अपनी शरण में राखो प्रभु, अपनी शरण में राखो प्रभु, हमें राखो प्रभु। जो देश कल नहीं था वो देश फिर हमारा, जो देश कल नहीं था वो देश फिर हमारा। भगवान ये भक्त तेरे क्यों कर न गीत गाए, भगवान ये भक्त तेरे क्यों कर न गीत गाए। मन की बना के माला चरणों पे हम चढ़ाए, मन की बना के माला चरणों पे हम चढ़ाए। ये डगमगा तबेड़ा तुमने ही पार उतारा, ये देश फिर हमारा, जो देश कल नहीं था वो देश फिर हमारा। तेरी का जल ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो हो। जुगना न होवे मेला, जुगना न होवे मेला, छोड़ो जिमोना आंचल, छोड़ो जिमोना आंचल। ओ तिलके कमर या मोरी हो, बालमा बलमा हो, बालमा बलमा हो, बालमा। ये दिन खुशी का दिन है, तोड़ो न दिल हमारा, तोड़ो न दिल हमारा। ओ जो देश कल तक नहीं था वो देश फिर है हमारा, जो देश कल तक नहीं था वो देश फिर है हमारा। मंगल सिंह, ये राज्य में खुशियाँ कैसी मनाई जा रही हैं? चंदेरी की आजादी का जश्न। चंदेरी किस तरह आजाद हुई? बाबरी फौजें हट गई कुमार। और तुमने हट जाने दी? हमने सुलह हरगिज न चाही, फौजें अपनी खुशी से हटा ली गई। भीख देने वाला जबरदस्ती भीख नहीं देता, खुशी से भीख देता है मंगल सिंह। मैं चंदेरी इस तरह से हरगिज नहीं लूंगा। उन्होंने तलवार से कब्जा किया था, दम होगा तो मैं भी तलवार से आजाद करा लूंगा। जश्न भी बंद कर दो। ये झंडा जो फकीर के हाथ की तरह उठा हुआ है, मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। कुमार, भगवान अब इस झंडे को रणधीर की तलवार से बुलंद कर या सदा के लिए गिरा रहने दे। जश्न बाबरी के मौके पर यूं तो बहुत से काफिले आए, लेकिन सबसे ज्यादा हसीन काफिला सरदार मीर बाबा दोस्त और उनकी दुख्तर बुलंद अख्तर शहजादी हमीदा बानो का काफिला आया। Thank you.
पनाह सुल्तानुल मुअज्जम। खाकान इब्ने खाकान सुल्तान इब्ने सुल्तान फरमा रवाए आदिल साहब कराने आजम शहनशाह बुलंद अख्तर हजरत सहीरुद्दीन शाह बाबर हुजूर इजलाल फरमाते हैं। आलीजा दुआएं मंजूम क्याज मुलहिम गैब बवंदगाओं ने आलियो सीधा बअर्ज आलम पनाह मीर सोनम बेखानीद दरावलम हैबते फरमाओं ने ऊबर बहर बर बाशद बाज में जंग हो ताबू से ऊफत हो जफर बाशद बखाओ के हिंद ताओ सद साल अर्ज इकबाल शाहाना जहीरुद्दीन शाहनशाह बाबर जलवगर बाशद। आफरीन। आलम पना सदका। सदके की कोई जरूरत नहीं। हैदर मिर्जा मेरा मुसल्ला तैयार करो, दो रकात शुक्राने की नमाज अदा करना चाहता हूँ। बहुत खूब क़िबले आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हुजूर तशरीफ ला रही थी तो खिराम नाज से दिल पामाल हो रहा था और आंखें फर्श राह बनी जा रही थी। कौन हो गुस्ताख तुम, कौन हो गुस्ताख तुम? खुदा का सीधा साधा बंदा। मुझसे गुस्ताखी करने का सबब? इसका जवाब दिल की धड़कनें ही दे सकती हैं। जानते हो किससे गुस्ताखी कर रहे हो? एक पैकरे हुस्न से, एक सरापा नूर से। काश मेरे पास तलवार होती। सरकार को तलवार की कोई जरूरत नहीं, अबरूए खमदार का इशारा काफी है। मैं अभी जाकर जहांपना से शिकायत करती हूँ। क्या फरमाया? जहांपना से? जरा शाहजादे तलवार लाओ। क्यों? मैं बदला लेने आया हूँ। अजीब बदमजाक आदमी हो तुम, कितना अच्छा मौका हाथ से निकलवा दिया। जब देखो तलवार हाथ में, बदला लेने ले आ रहे हैं। बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं लड़ने आया हूँ, लड़ूंगा। शाहजादा इस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं, अगर लड़ना हो हवा से लड़िए। शाहजादे होश में आओ, ये मजाक का वक्त नहीं। ये मजाक के लिए वक्त और बेवक्त कैसा? और अब तो कुमारी बहन की वजह से रिश्ता ही ऐसा कायम हो चुका है। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। सुना तो होगा वो शिकायत करने गई हैं। अब अगर मेरी गर्दन उड़ा दी गई तो बदला किससे लोगे? इसीलिए कहता हूँ जरा ठहरो, मैं भी तलवार लेकर आया। ये नहीं जहांपना, वो शहजादा। जी शहजादे। जी हाँ क़िबले आलम। शहजादे क़िबले आलम इधर आओ। ज़िल्ले सुभानी, मेरा मतलब शहजादे से न था, वो शख्स वहीं खड़ा था जहाँ शहजादे तशरीफ़ फरमा है। हुमायूं, हमीदा बानो के साथ किसी ने गुस्ताखी की है, तलाश करो और ऐसी सजा दो कि उम्र भर याद रहे। बहुत खूब क़िबले आलम, आप मेरे साथ तशरीफ लाएं, मैं महल के तमाम आदमी को जमा करूंगा, आप पहचान सकती हैं। क़िबले आलम, कनीज ये नहीं चाहती कि गुस्ताखी करने वाले को सजा दी जाए। अब ये नहीं हो सकता, बाबर इंसाफ चाहता है। तशरीफ लाइए। जाओ बेटी।
कैसे आना हुआ रणधीर? हुजूर, कैसी सूरत थी उस गुस्ताख की? देखिए, चुप रहने से काम न चलेगा। जहाँ पनाह कत्ल का हुक्म दे चुके हैं। दुश्वारी ये है कि शहजादों के लिए कोई कानून नहीं होता। माफ फरमाइएगा, ये बाबरी सल्तनत है, हर अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है यहाँ। तो ऐसे मुजरिम की क्या सजा है? सुन तो चुकी हैं आप, कत्ल। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपने वहीं फरमा दिया होता, मैं कत्ल हो जाता। झूठ क्यों बोली आप? आपके खातिर, क्या एहसान का यही बदला है? तो आखिरकार हुस्न को इश्क पर रहम आ ही गया। कब तक मैं इन सरदारों को रोकता रहूंगा? याद रखो, इनमें से हर एक बाबर है। लेकिन मैं तो सिर्फ शहजादे से लड़ना चाहता हूँ, बस आपकी इजाजत चाहिए। तुम जानते हो कि शहजादा मेरे बाद बादशाह बनने वाला है। तुम ये भी जानते हो कि मेरा और राजकुमारी का क्या रिश्ता है। होगा, लेकिन मैं इस नाते को मानने के लिए तैयार नहीं। तुम बाबर से बातें कर रहे हो जो सिवाय खुदा और तलवार के किसी चीज पर भरोसा नहीं रखता। डरो उससे कि बाबर की तलवार। तो आखिर मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? मेरी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। कम से कम तारीख के सफात गवा रहे हैं कि बाबर क्या था। राजकुमार को हिफाजत के साथ महल के बाहर पहुंचा दो। क्या फैसला किया तुमने? जी कबले आलम। सुना नहीं, मैं पूछ रहा हूं किस नालायक ने गुस्ताखी की थी? सादत खान। क्या सजा दी तुमने? क्या सजा दी तुमने? कत्ल। कमेटी। जी हाँ कबले आलम। हम हैं दर्द दिल।
बेताब हो रहे हैं, एक गम है दर्द दिल से, बेताब हो रहे हैं, ये कौन सा मर्ज है और इसकी क्या दवा है। समझे बूझे आग लगाया न कीजिए। जब लग गई तो डर के बुझाया न कीजिए। मैं तो इस फूल से अर्ज कर रही थी। और इस फूल का शहदाई दिल के कानों से राजों ने आज के नगमे सुन रहा था। पानो, अब तो तुम्हारा दिल भी मोहब्बत की गवाही देने लगा। कनीज ने खुदा ना खास्ता ये कबर्ज किया कि हुजूर से नफरत करती है। तो देर काहे की, बादशाह अब्बा से कहकर शादी का पैगाम भिजवा दूं। हुजूर गलत फहमी का शिकार ना हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं शादी भी करना चाहती हूं। अजीब बात है, आखिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? जिसके गरीबान तक मेरा हाथ पहुंच सके। मैं समझ ना सका बानो, तुम्हारा मतलब क्या? शहजादे, मेरे उसूल दिल की मुखालिफत कर रहे हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जमीन की बसने वाली हमीदा, अगर आज तू आसमान तक पहुंच भी गई तो एक दिन जरूर गिरा दी जाएगी। बानो, तुमने कभी ये भी गौर किया है कि समंदर के उस पार जमीन और आसमान एक दूसरे से मिले हुए नजर आते? इसको फरेब नजर भी कहा गया है। जमीन और आसमान मिले हुए नजर आते हैं, दर हकीकत मिलते नहीं। अगर तुम चाहो तो जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, और बानो वो यही मौका है। जमीन गर्दों से टकराई जहां दिल मिल गया दिल से। लेकिन बादशाह बन जाने के बाद आपकी ये हालत कायम न रह सकेगी शहजादे, वरना ताकत का लफ्ज बेकार हो जाएगा और बादशाह का लफ्ज बेमानी बनकर रह जाएगा। बानो, मैं अहद करता हूं कि बादशाह बनना कबूल ना करूंगा। तारीख के औराक मुझे अच्छे नाम से याद ना करेंगे शहजादे, यही कहेंगे कि हमीदा बानो ने सिर्फ अपनी खातिर हिंदुस्तान के होने वाले फरमा रवा की किस्मत छीन ली। बानो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मैं अहद करती हूँ कि शहजादे आलम से इनकार कर देने के बाद किसी और का तसव्वुर भी गुनाह समझूंगी। बानो, इनकार का लफ्ज शहजादे के कानों ने कभी काहे को सुना था, और वो भी मोहब्बत के सिलसिले में। दिल पर चोट पड़ी, जमीन व आसमान घूमते हुए नजर आए, दुनिया तीरोतार हो गई।
राजकुमारी मद्देजिल्लाहा शहजादे आलम की आयादत को तशरीफ लाई हैं। आप लोग बाहर तशरीफ रखें, बहन भाई को देखने आई है। पिताजूर, अब वो वक्त आ गया है बेटी। सब कह के उठ गए कि मर्ज लाइलाज है। भगवान अच्छा करेंगे, वही एक सहारा। पिता हजूर, आज रक्षाबंधन है, मैं राखी बांधने आई हूँ। जरूर बांधो राखी, ताकि इस आजिज बाप की तमन्नाओं के साथ साथ मासूम बहन की दुआएं भी शरीक हो जाए। भाई का साया बहन के सर पर हमेशा कायम रहे भगवान। आमीन। जवाब क्यों नहीं देते भैया? मेरे शहजादे भैया हमसे रूठ क्यों गए? ऐसा तो कभी ना हुआ था भैया। शहजादे, बहन को कोई खाली हाथ वापस करता है? लो बेटी। पिता हजूर, तुम्हारी आवाज के कानों तक नहीं पहुंच सकती बेटी,
मगर अर्श वाला जरूर सुन रहा आपको। आओ बेटी। हम क्यों जाए पिता हुजूर? इसलिए कि अगर रणधीर आखिरी बार दिल का अरमान निकालना चाहता है तो निकाल लेने दो। कामरान, हजर मिर्जा, आओ बेटी। शहजादे, शहजादे, भगवान क्या दिल की दिल्ली में रह जाएगी? मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तू गवाह है, और फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि इनकी जान बचा ले, वरना रणधीर की तलवार कभी बयान से बाहर ना निकलेगी। शहजादे, रास्ते में एक एक कदम पर दुआ मांगता आया हूं, भगवान तुम्हें अच्छा कर दे, और फिर एक दफे तुम रणधीर के सामने तलवार खींचो। सुन रहे हो शहजादे, अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। अब सब्र नहीं हो सकता। ऐ रब्बुल आलमीन, औलाद की मोहब्बत का जज्बा तू निशा है, अगर जान का सदका जान हो सकती है तो बाबर अपनी हकीर जान का नजराना पेश करने को तैयार है। बारिल्लाह, हुमायूं को सेहत बख्श और बाबर को अपनी सरकार में बुला ले। भगवान, इस दीपक की जोत जगाए रखना। नोश फरमा लीजिए क़िबला आलम। अब हमसे ये नहीं हो सकता शहजादे। क़िबला आलम, नोश फरमा लीजिए। कामरान, हमने दो जहां के मालिक से इल्तजा की थी, वो मंजूर हो गई, तुम्हारे भाई हुमायूं की जान बच गई। अब हमारी जान नहीं रही, किसी दूसरे की अमानत हो चुकी। हुजूर अकदस। कोई बात नहीं शहजादे, बहादुर के लिए मौत एक खेल है, और ऐसी मौत जिसने तुम्हें हयात बख्शी। कुछ वसीयतें करना चाहता हूं। अरे भाई, हमारी दोनों बेटियां राजकुमारी और गुलबदन कहां हैं? रो क्यों रही हो? परवरदिगार तुम्हारे सर पर हुमायूं का साया कायम रखे। बेटा, ये दोनों तुम्हारे सुपुर्द हैं, इनका ख्याल रखना, सब भाइयों का भी ख्याल रखना। कभी ये महसूस न होने देना कि बाबर मर चुका है। अरे भाई, हाँ तो कहो शहजादे। हुजूर अकदस, आपका हुक्म सर आंखों पर। हैदर मिर्जा, खुदा के बाद इन बच्चों को तुम्हारी सुपुर्दगी में दिया जा रहे हैं। मिर्जा, तुमने हमारे हुक्म से कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक आखिरी हुक्म की और जहमत देना चाहते हैं। हमारी आंखों के सामने शहजादे को ताज पहना देते मिर्जा। जरा चलते चलते अपने होने वाले बादशाह की शान तो देखते जाएं।
बादशाह पा अल्लाह बाकी मिन कुल फानी। जश्न भरा निगाह रूबरू ज़िल्लल्लाह। खाकान इब्ने खाकान इब्ने खाकान, सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, इब्ने साहब कुरान आजम आला हशम जेती पना, हजरत नसीरुद्दीन शाह हुमायून मुअज़्ज़म नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं। हैदर मिर्जा। क़िबले आलम। कामरान मिर्जा कहाँ है? आलम पना, वो और उनके चंद आदमी हिरासत में ले लिए गए, आपके हुक्म के मुंतजर हैं। हिरासत में? किस कसूर पर तुमने हमारे भाई को नजरबंद किया? क़िबले आलम, उन्होंने तख्त पर बैठने की कोशिश की, उनके चंद मुंतखब बहादुर दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मिर्जा, तख्त पर बैठने की हर इंसान कोशिश करता है, अमारत हर फर्द की आंखों में भली मालूम होती है। हमारे सामने पेश कर। शहजादे, हमारे करीब आओ और करीब आओ। शहजादे, हम कह रहे हैं और करीब आओ। कामरान, इस छोटी सी बात के लिए तुमको हमसे कहना था, तुमने तलवार उठाने की जहमत क्यों गवारा की? हम जिंदगी में तुम्हारी हर हसरत पूरी करने को तैयार हैं। तुम खुशी से तख्त पर बैठ सकते हो। आलम पना, मैं माफी का तलबगार हूं। जाने बरादर, माफी क्यों मांग रहे हो? अगर संभाल सको तो बैठ जाओ तख्त पर, हमको तख्तो ताज की हाजत नहीं। सल्तनत मुगलिया का नाम कायम रहे, अगर बादशाह नहीं तो एक सिपाही की हैसियत से अपना फर्ज अंजाम देते रहेंगे। जहां पना, ये तख्त आप ही का शाया नशान है, मेरा कसूर था, मुझे माफ फरमाया जाए। शहंशाह मुअज़्ज़म, उनचे बरअदल शाहाना, इल्तफात बरादराना, मराहमात खुसरवाना, असफरत मसर्रत बदीहतन गुफ्तम, दर हुजूरे आलम पनाह तकदीम ही नुमाया। देखो नीत दर अदालत, दर सखावत, दर शुजात इंतखाब, मेहरबान बर कामरुन, बर दुश्मना नश्वत हयाव, फातह आजम नसीरुद्दीन हुमायूं जिंदाबाद, ताजदारे मुल्क हिंदुस्तान शहे गर्दुम आओ। आफरीन। पहना है
गुलाब का तिलक लगाऊं मैं तिलक लगाऊं मेरे भैया बने महाराज रे आज रे मेरे भैया ने पहना है साज रे मैं तो ओढूं गुलाबी चुंदरिया आज आज रे आज रे मेरे भैया ने पहना है साज रे पूरी हुई ये मेरी तमन्ना मिलकर बहेंगी आज गंगा और जमुना पूरी हुई ये मेरी तमन्ना मिलकर बहेंगी आज गंगा और जमुना जय जमुना माता जय गंगा मैया ये मेरा भैया ये मेरा भैया कायम रहे सदा कायम हो भारत का राज रे आज रे मेरे भैया ने पहना है साज रे मैं तो ओढूं गुलाबी चुंदरिया आज आज रे आज रे मेरे भैया ने पहना है साज रे बाबर मर चुका है अब शेरशाह का जमाना आया कसम है उस पैदा करने वाले की अगर हुमायूं को हिंदुस्तान में रहने दूं हिम्मत खान हुजूर अकबर तमाम राजाओं महाराजाओं को लिख दो कि मुगलों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है खूब दिल खोलकर इंतकाम लें और खास तौर पर चंदन कुमार रंजीत की ताबत दो उनके वो इंतकाम की याद में अच्छे से चल रहा है जय सिंह अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता है बदला लेने का समय आ गया वो शेर कान भर के सुरमा कांपते थे अब नहीं रहा राजकुमारी को हुमायूं को भाई बनाने का मजा आ जाएगा सारे राज में ऐलान कर दो कि राजकुमारी का काले झंडों से स्वागत किया जाए तारा सिंह अंदाता सुल्तान बहादुर शाह ने क्या जवाब दिया अंदाता सुल्तान ने आपको याद फरमाया है सुल्तान की खिदमत में जयसिंह आदाब बजा लाता है खुश आमदेद जयसिंह तुम्हारा पैगाम हमें मिल गया था क्या चाहते हो सुल्तान ये देखिए रणभूमि का नक्शा जो मैंने बड़ी कोशिश के बाद तैयार किया है यह है हमारा राज तो जंग किस तरह शुरू होगी सुल्तान पहले मैं अपने राज पे कब्जा करके राजकुमारी को गिरफ्तार कर लूंगा रियाया को मैंने राजकुमारी के खिलाफ काफी उभार दिया है लेकिन फौज के मामले में मुझे कुछ शक है ताज्जुब है जाहिरा तो ये फौज राजी है सुल्तान लेकिन मुझे डर है कि राजकुमारी के खिलाफ शायद राजपूतों की तलवार ना उठे उस वक्त मुझे मदद दरकार होगी सुल्तान अगर आप 20,000 बहादुर दे दें तो फिर मैं समझ लूंगा मुझे मंजूर है जयसिंह बस फैसला हो गया सुल्तान जिस वक्त मैं राजकुमारी को गिरफ्तार कर लूंगा चंदेरी कुमार रणधीर मुझ पर जरूर हमला करेगा आप चंदेरी पर बगैर किसी जंग के कब्जा फरमा लीजिएगा कुमार मेरे साथ जंग में उलझा होगा अचानक उसे भी आ घेरिएगा लेकिन यह समझ में नहीं आता जयसिंह कि शहनशाह हुमायूं अपनी बहन के खिलाफ इन तमाम बातों को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा सुल्तान शेरशाह के कुव्वत से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं उनका हमला आजकल में होने ही वाला है आपके ख्याल में इतने जबरदस्त हमले के बाद उनको इतना होश होगा कि राजकुमारी की मदद को आए हिंदुस्तान की सल्तनत जा रही होगी पूरी कुव्वत के साथ उसे रोक रहे होंगे ऐसे मौके पर भाई बहन का नाता किसको याद आता है सुल्तान ठीक कह रहे हो जयसिंह 20,000 बहादुर लेकर अभी रवाना हो जाओ मुबारक हो सुल्तान मुबारक हो बहादुरों बेशक आज सारे हिंदुस्तान का बोझ आप सबके कंधों पर है
आपका फर्ज ये बताता है कि हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाकर वतन में अमन कायम करें और वो शिकस्तें जो बाबर के जमाने में उठाई हैं उनका पूरा पूरा बदला लें। इसीलिए मैंने आप सबको दावत दी है कि हर शख्स फर्दन फर्दन बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। आप हजरात की क्या राय है? हम सब सुल्तान के साथ हैं। महाराज रणधीर सिंह, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि शहंशाह बाबर के मर जाने के बाद आज सुल्तान को बदले का ख्याल आया, लेकिन सुल्तान शायद भूल रहे हैं एक तलवार ऐसी भी थी जो कभी मैदान में नहीं गई। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो कौन सी तलवार है और कहां कहां खिंची? वो तलवार ये है, ये तलवार हुमायूं की ख्वाबगाह में खिंची, ये तलवार हुमायूं के बाग-ए-आम में खिंची, और सुल्तान ये वो निडर तलवार है जो हमेशा शहंशाह बाबर के सामने खिंची। वाकई काबिले तारीफ है ये तलवार, और हम चाहते भी यही है कि ये तलवार हमारे साथ मिलकर खिंचे। सुल्तान, निडर होने के साथ साथ एक जरा सी शरीफ भी है ये तलवार, और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी घिरे हुए दुश्मन पर यह तलवार नहीं खिंचेगी। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है सुल्तान कि शहंशाह हुमायूं का और मेरा झगड़ा आपस का झगड़ा है, इसमें दूसरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जिंदा बचा तो निपट लूंगा। अब आप बहुत बढ़ते जा रहे हैं महाराज, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन याद रहे, सुल्तान का फैसला भगवान का फैसला नहीं है। तो ये सुन रखे महाराज, एक दिन शेर की तलवार महाराज पर उठेगी और महाराज की आंखें शेर की तलवार की चमक देखेंगी। जिन आंखों ने शहंशाह बाबर की तलवार की चमक देखी है वो अब किसी तलवार को तलवार नहीं समझती। औलिया हजरत, मलिका खाकान इब्ने खाकान इब्ने खाकान, मलिका सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, मलिका नसीरुद्दीन शाह हुमायूं मद्दे-ए-ज़िल्लाह की सवारी आती है। बादशाह बेगम की खिदमत में राजकुमारी पर अनाम पेश करती है, तशरीफ रखिए। मलिका आलम को हिंदुस्तान का तख्त व ताज मुबारक हो। मेरे मलिका बनने का ख्वाब कब देखा हुजूर ने? कल रात को, और आज मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे मिल गई। मेरे ख्याल में अब तक हुजूर ख्वाबो ख्याल में हैं। जरा चौंकी राजकुमारी जी, अगर मैं मान भी लूं कि ये सपना है तो ऐसे सुंदर सपने से आखिर क्यों चौंकूं मलिका आलम? ये मलिका आलम का खिताब कब से मरहमत फरमाया गया है? जब से आपने मेरे शहजादे भैया का दिल चुराया। कोठे ऊपर अपने खड़ा था, कान में पहने वाले दो, खल्क खुदा की देखन लागी, चांद तो एक है हाले दो। आप तो शायरी फरमाने लगी। जी हाँ, अभी तो आपको मनाने के लिए पूरी कविता कहनी पड़ेगी। अगर मैं मान भी गई तो आपको क्या मिल जाएगा? मेरे भाई को अगर आप ऐसी मलिका मिल गई तो भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे अफसोस है कि इस मामले में राजकुमारी को नाकामी होगी। राजकुमारी राजपूत है, नाकामियों से डरने वाली नहीं। हजारों नाकामियों के बाद ही कामयाबी होती है मलिका आलम। उड़ते उड़ते खबर ये भी सुनी गई है कि शहंशाह और मलिका एक दूसरे से मोहब्बत भी फरमाते हैं। मैं इस मोहब्बत से खूब वाकिफ हूँ, लेकिन ये अर्ज किए बगैर न रह सकूंगी कि मोहब्बत बादशाहों के लिए एक खेल है और मलिका खिलौना। जब दिल भर गया तो दूसरा खिलौना खरीद लिया गया। मैं तो ऐसे से शादी करना चाहती हूँ
जिसके गरीबान तक मेरा हाथ पहुंच सके। मलिका आलम की गुफ्तगू से मोहब्बत की बुआ रही है और गुस्सा दिल जलने की गवाही दे रहा है, लेकिन अपने उसूल की खातिर मोहब्बत की कुर्बानी का बीड़ा उठा चुकी हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही से क्यों ना हाथ धोना पड़े। बानो, हुकूमत की खातिर उसूलों की कुर्बानी आपका फर्ज है। बादशाहों के सामने ये उसूल नहीं चला करते। इंसान के उसूल हुकूमत के मोहताज नहीं हुआ करते, वो उसूल नहीं कहलाते जो ताकत से डर जाएं, जो कुव्वत से घबरा जाएं और हुकूमत के आगे सर निगुं हो जाएं। लिया आपने? जी, लेकिन मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? साहबजादी साहिबा, आप सब कुछ कर सकती हैं। मिर्जा साहब, शेरशाह ने हमला किया है, आप जैसे बहादुरों की मौजूदगी में एक औरत क्या कर सकती है?
मैं फिर अर्ज करूंगा कि आप सब कुछ कर सकती हैं। फरमाइए। मैं इल्तजा करता हूं कि सरकार जल्द अज जल्द मलिका बनना कबूल फरमा ले। आपकी ये इल्तजा कबूल नहीं की जा सकती, कोई और हुक्म फरमाए। गुस्ताखी मुआफ, अगर आप इस पर आमादा नहीं तो सल्तनत छोड़ने पर तैयार हो जाएं। ये आपका हुक्म है या शहनशाह का? किसी का भी नहीं, ये वक्त की पुकार है। आपकी मौजूदगी ने शहनशाह को सल्तनत से गाफिल बना दिया है। आपके अबरूए खमदार के शहदाई तलवार से बेनियाज हो चुके हैं। अगर यही आलम रहा तो मुझको डर है कि मुगल सल्तनत और साहबजादी साहबा आप, सिर्फ आप इसकी जिम्मेदार करार पाएंगी। जहां बना कनीज घर जाने की इजाजत चाहती है। कम से कम हमारी सल्तनत में रहो, हमारी नजरों के सामने रहोगी तो दिल को तस्कीन रहेगी। मेरी मौजूदगी आपको सल्तनत से गाफिल बना देगी जहां बना। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। दुरुस्त जहां बना, लेकिन अकल भी कोई चीज है। अकल को हम बहुत बड़ी चीज समझते थे, मगर तुम्हारी जिद, इलाही तौबा। आखिर हुजूर मुझे भूल क्यों नहीं जाते? बानो, ये तो ऐसा ही है कि जन्नत देखने के बाद किसी से कहो कि जन्नत को। मुंतजर मौत खड़ी है कि मैं जहां लेके टलूं, सर बसजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। आज तुम्हें हमारी किस्मत का फैसला कर ही देना पड़ेगा। कनीज, अर्ज कर चुकी जहां बना, आप बादशाह हैं। जहमत तो यही है बानो कि हम बादशाह होने के बावजूद भी इंसान हैं। जबर हुस्न का शेवा है, हमको तो सब्र ही करना पड़ेगा। क्या तुम्हारा दिल हाँ नहीं कह रहा है? जहां बना, मेरा दिल तो हमेशा से हाँ हाँ कह रहा है, लेकिन खूबी या किस्मत मेरे उसूल नहीं नहीं करते रहे। बदल दो इन उसूलों को हमारी खातिर। जहां बना, अगर इंसान की जिंदगी के कुछ उसूल ना हो तो इंसान इंसान कहलाने का हरगिज मुस्तहक। सितारे खामोश हो होकर तुम्हारी रुखसती का पैगाम दे रहे हैं। चांद छुप जाने की कोशिश में है, हुस्न अपने मरकज की तरफ मायले परवाज नजर आता है। कायनात का जर्रा जर्रा जैसे हमसे बेजार नजर आता है। तुम अगर मान जाओ तो हमारी जाती हुई दुनिया फिर पलट आएगी। कनीज, तमाम उम्र न जाती क़िबला आलम, मगर आग और पानी साथ नहीं रह सकते। हम दिल जलों की भी अजीब कहानी है, इजहार पाक बाजी हैरत में ला रहे हैं। दिल मिल गया है दिल से, पहलू जुदा रहे हैं। अब इजाजत चाहूंगी जहां बना। किस दिल से कहें? सुबह हो रही है, काफिले वाले इंतजार कर रहे होंगे। जाओ, कम से कम अहले दिल गवाह रहेंगे कि हुमायूं ने बादशाह होकर भी जबर से काम न लिया। शुक्रिया जहां बना, खुदा हाफिज। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खूब, तमाम खुशियां और मसर्रत ले जाने वाले कह रहे हैं कि खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुश रहो। कहता जा रहा है बा
नजर आए मोहब्बत की नजर तेरी अदाओं के निशान दर्द वो बख्शा गया जिसकी दवाई कुछ नहीं हुस्न कहता जा रहा है बादशाही कुछ नहीं लो खुदा हाफिज़ सिधारो याद कर ले ना कभी है ये किस्मत की खता मुझको गिला ही कुछ नहीं जा रहा है बादशाही कुछ नहीं आज तुम्हारी जुबान से नसीहत नहीं सुनना चाहता मैं हाँ या नहीं सुनना चाहता हूँ सफदर मिर्जा की तलवार बड़े से बड़े बहादुर पर उड़ सकती है मगर भाई पर हमला करना और ऐसा मालूम हो गया कि तुम हुमायूं से डर रहे हो और जान बचाने के लिए बातें बना रहे हो मगर याद रहे तुम्हें हमले में शरीक होना ही पड़ेगा वरना कत्ल कर दिए जाओगे शहजादे चाहे 70 जाने मिले और 70 दफा कत्ल कर दिया जाऊं लेकिन शहंशाह बाबर का नमक खा लेने के बाद शहंशाह हुमायूं पर यह तलवार कभी ना उठेगी इस बुड्ढे को कत्ल कर दो हमारे हुक्म के बगैर कजा किसको यहाँ खींच कर ले आई हैदर मिर्जा को जो जान से बेजार हो चुका है क्या चाहते हो शेर शाह ने हमला करके कई शहरों पर कब्जा कर लिया हम क्या कर सकते हैं ताज्जुब बाबरी शान का मालिक के जवाब दे रहा है किस काम की ये बाबरी शान किस काम का ये ताज ये तख्त किस काम की ये दौलत ये हशमत जबकि हम एक औरत के दिल को नहीं जीत सके इसका यह मतलब हुआ कि जहां पना अपने जज्बात के खून हो जाने के बाद तमाम आलम के जज्बात का खून कर दें सारी दुनिया को तबाह कर दें बहन भाई दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब सबको अपनी मोहब्बत पर कुर्बान फरमा दें मिर्जा याद रखिए जन्नत मकानी हजरत बाबर की रूह कब्र में तड़पेगी राजकुमारी की सल्तनत की तबाही आपके दामन से चिमट चिमट कर रोएगी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वो इमारत जिसकी बुनियाद बाबरी खून से डाली गई है फौज की तैयारी का हुक्म दे दो दुनिया हमेशा गिरते रहे घूमती रहे फतो जफर खुशी से कदम चूमती रहे क्या खबर लाए अहमद खान सुल्तान शहंशाह हुमायूं कई शहर फतह करके चौसे के करीब पहुंच चुके हैं हमारे बहुत ज्यादा आदमी काम आए सुबह हमला शुरू होगा बेपनाह ताकत के साथ शुरू होगा उनको वहीं रोक दिया जाएगा नामुमकिन है जिल्ले सुभानी क्यों उनकी फौज की कसरत और इस तलवार की ताकत मसलहत से काम ले हुजूर अक्दस 10 गुनी ज्यादा फौज है सिर्फ एक इलाज एक शबखून कौन हो तुम जहां पनाह का अदना खिदमतकार निजाम मोहम्मद खान सक्का
तुमने अपने बादशाह की जान बचाई, क्या चाहते हो? गुलाम ने अपना फर्ज अंजाम दिया जहां पना। हरा दिल चाहता है तुम कुछ तलब करो। जहां पना, जान की अमान पाऊं तो मांगू। हम कॉल देकर कभी नहीं फिरा करते। आलम पना, सिर्फ 24 घंटे के लिए बादशाह। काश तुमने उम्र भर के लिए बादशाहत मांग ली होती। बादशाहों के दुख दुनिया वाले क्या जाने। हमें मंजूर है, लो ये शाही अंगूठी। वाला हशम गेती पना हजरत नसीरुद्दीन शाह हुमायूं मुअज्जम नुजूल जलाल फरमाते हैं। हैदर मिर्जा, तबले आलम, दरबार में मुनादी कर दो कि 24 घंटे के लिए निजाम मोहम्मद खान को तख्त नशीन किया जाता है। जिले सुभानी, आज आप एक सक्के को तख्त पर बिठा रहे हैं, उस तख्त पर जिस पर जन्नत मकानी तशरीफ फरमा हुआ करते थे। हम अपने मामला अच्छी तरह समझ रहे हैं। आलम पनाह, तारीख बता रही है कि ऐसे लोगों को दरबार में आने तक की इजाजत न थी, और आज आप हैदर मिर्जा, आज हम अपने अहद सल्तनत की एक नई तारीख बना रहे हैं। अगर इस सक्के के बजाय कोई हकीर से हकीर इंसान होता तो हमारी जबान वादा करने के बाद उससे भी न बदलती। बिठा दो तख्त पर। अगर सखावत शोहनशहे जहान मीदीद निसार हाथम थाई बसाओ मी गर्दी हुमायून शहनशाह हिंद कुर्बानश निजाम सक्कर ताजे शहन। जय सिंह, रियाया बगावत पर क्यों आमादा है? लोग इंसाफ चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो एक जमाने में आपकी जय जयकार किया करते थे। लेकिन मैंने कौन सी बेइंसाफी की है? ये आप इन लोगों से पूछिए। राजकुमारी, राज का काम सिर्फ उस वक्त तक चल सकता है जब तक रियाया को भरोसा रहे, और अब वो भरोसा उठ चुका है क्योंकि आपका शहंशाह हुमायूं से मेल जोल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, और इस तरह आजादी से उनके महल में आना जाना धर्म कभी गवारा नहीं कर सकता। ये कौन सा धर्म है कि किसी को एक बार तक कह देने के बाद उसके मरने में भी शरीक ना हो? ठीक है, नाते बंदी कर लीजिए या राज। जय सिंह, मत भूलो कि तुम मुझसे बातें कर रहे, और आप जय सिंह से बातें कर रही हैं जिस राज का सेनापति कहलाता है। तो तुम बगावत पर आमादा हो। अगर आपका यही हाल रहा, ये राज बच सकता है सिर्फ एक सूरत से। आप राजकुमारी रह सकती हैं सिर्फ एक सूरत से, अगर रणधीर की जगह जय सिंह। वरना क्या होगा? आप तख्त पे नहीं बैठ सकती, वो जमाना गुजर गया, बाबर मर चुका है। मगर मैं भी जिंदा हूँ, ये तख्त मेरा है, ये राज मेरा है, ये हक मेरा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आपको अभी मालूम हो जाएगा। गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, मैं तुमसे कह रहा हूं गिरफ्तार कर लो, बुझ दिलो, तुम में से एक एक मारा जाएगा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं गिरफ्तार कर लो। इस नमक हराम को गिरफ्तार कर लो। मैं जानता था, बुझ दिलो, मैं जानता था। वो देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ रही है। राजकुमारी गिरफ्तार हो गई। क्या उस नमक खराब की गेम मत मंगल सिंह? कामरान मिर्जा उन भाइयों में से हैं जो मुगल सल्तनत की तबाही पर खंदाजन हो। मिर्जा, अब मैं साफ साफ अर्ज कर दूं कि वो शेरशाह से साजबाज कर रहे हैं और उनका इरादा आपके खिलाफ जंग करने का है। कामरान पर हमले की तैयारी करो, हम शेर खान को रोकते हैं।
समय से ये समझ में नहीं आता कि किला तुम्हारे हाथ से क्यों कर निकल गया। सुल्तान, हमारी फौज रणधीर के मुकाबले की ताब न लाकर किला छोड़ने पर मजबूर हो गई। क्या रणधीर अब तक किले में मौजूद है? जी हाँ सुल्तान। कोई बात नहीं, हम अभी किला घेरे लेते हैं। हैबत खान, तमाम फौज को तैयारी का हुक्म। तेरे हुजूर जाहो हशम सर ने गूं रहे, तेरे हुजूर तेजे दुदम सर ने गूं रहे। हैदर मिर्जा, कयामत का रन पड़ा, शेर खानी फौजें पसपा कर दी गईं। कल इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी। सुभान अल्लाह, जहां पना। कामरान मिर्जा हुक्म के मुंतजर हैं। कामरान, हमारे हुजूर में पेश करो। देख लिया कामरान, भाई कैसे होते हैं। आज जन्नत मकानी याद आ गए। ये है बाबरी शान का मालिक। ऐसे वक्त में हमला करने के बजाय तुम्हें हमारा शरीक होना था। मैं माफी का तलबगार हूं अली जा। उलिया हजरत दुख्तरे फिरदौस मकानी, हमशीरे जिल्ले सुभानी, राजकुमारी मद्दे जिल्लाहा का कासिद इज़्न हुजूरी का तलबगार है। आने दो। सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, खाकान इब्ने खाकान इब्ने खाकान की सेवा में हमशीरे सुल्तान ने राखी भेजी है। राखी भेजी है हमारी बहन ने। हैदर मिर्जा, फतह जफर के लिए हमारी कलाई पे बांध दो। ये खत कैसा है, पढ़ो मिर्जा। मेरे शिया बहुत बहुत प्रणाम। बहादुर शाह की फौजों ने मेरे राज को घेर रखा है। भगवान आपको शेर शाह के मुकाबले में कामयाबी दे, आपकी बहन राजकुमारी। हैदर मिर्जा, 50,000 फौज हमारे साथ रवाना करो, हम अभी बहन की मदद को जाएंगे। लेकिन दिल्ले सुभानी, इस वक्त इस महाद जंग से 50,000 फौज हटाना सरासर मसलहत के खिलाफ है। मसलहत के खिलाफ हो या ना हो, हमारा जाना जरूरी है। जहां पना, इस जंग से ज्यादा इस वक्त कोई चीज अहमियत नहीं रखती। एक चीज है जो इस जंग से ज्यादा अहमियत रखती है, और वो जन्नत मकानी हजरत बाबर की जबान। बाबरी खानदान के बच्चे बच्चे को उस राज की हिफाजत करनी पड़ेगी। लेकिन हैदर मिर्जा को कदम कदम पर बाबरी खानदान की हिफाजत करनी पड़ेगी। बाबरी खानदान को सिवाय खुदा और तलवार के किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं। जहां पना, ये जंग हर जाएगी और सल्तनत आपके हाथ से निकल जाएगी। खोई हुई सल्तनत हुमायूं फिर वापस ले सकता है, लेकिन बहन की गई हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती। रणधीर ने जौहर की रस्म अदा की और पान का बीड़ा उठाकर आखिर दम तक लड़ने की सौगंध खाई। आंखों ही आंखों में एक ने दूसरे को मौत का संदेशा दिया। रणधीर ने आगे बढ़कर कहा कि कले का दरवाजा खोल दो। राजपूत भूखे शेर की तरह झपट पड़े। गैरतदार भाई बहन की मदद को पहुंच गया। कदम
داخل ہوا جیت کے نشے میں سر سومتا ہوا بہن سے ملنے چلا دور سے بہن نے بھائی کو دیکھا معصوم ہاتھوں سے گوندھا وہ ہار بھائی کی گردن میں پہنایا فتح و ظفر کا ٹیکہ لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا یک بیک آواز آئی کہ حیدر مرزا آپ سے ملنے کے طلبگار ہیں جہاں پناہ کامران مرزا 20,000 آدمیوں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری سے مل گئے میں لڑا آخرے وقت تک لڑا تمام بہادر کام آ گئے آپ اس مقام سے جلد از جلد ہٹ جائیں شیر شاہ کی فوجیں آنے ہی والی ہیں سلطنت آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہم لڑیں گے مرزا مرتے دم تک لڑیں گے ایک آخری جملہ مجھ غلام کا اور سن لیجئے آپ کو جنت مکانی کی روح کی قسم اس پر عمل فرمائیے گا اس وقت جنگ بیکار ہے شیر شاہ کے پاس 50 گنی زیادہ فوج ہے ذرہ ذرہ آپ کا دشمن ہو رہا ہے وطن جا کر مدد لائیے پھر جنگ فرمائیے ورنہ خدا نہ کردہ مغل سلطنت کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا وہ سلطنت جس کی بنیاد جنت مکانی کے خون سے ڈالی گئی ہے تباہ مرزا ان للہ و ان الیہ راجعون تم نے بھی منہ موڑ لیا اچھا تمہاری ہی وصیت پر عمل کریں گے رندھیر تمہارا قرضہ رہا جا رہا ہے بابر کا بیٹا قرض دار بن کر ہندوستان سے نہیں جانا چاہتا تلوار اٹھاؤ اور آج اپنی قسم پوری کر لو تاجدار مختصر جانساروں کی ہمراہی میں تن بتقدیر ایران کی سمت روانہ ہوا کچھ بہادر مر گئے کچھ دشمنوں کے ہاتھ پڑ گئے کچھ تکلیفوں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے منہ موڑ گئے آج ذل سبحانی کی ہمراہی میں صرف پانچ جانباز نظر آ رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا صرف خدا سے ڈرنے والا بہادر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا اس نے ہاتھ باندھے قدرت نے اس امتحان کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ایسے عالم میں نامعلوم دشمنوں نے حملہ کیا تھوڑے سر سے گزرے مگر خدا کی یاد میں لو لگائے ہوئے نمازی کو جنبش تک نہ ہوئی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پانچوں بہادروں کی موت کا نظارہ خدا کو علم ہے کہ کس دل سے دیکھا پلٹا پلٹ کر آسمان کو دیکھا یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اے پاک پروردگار سب نے ساتھ چھوڑ دیا مگر تو موجود ہے یہ وہی تاجدار ہے جس کے جھنڈے کے گرد لاکھوں راجپوت اور مغل نوجوان ہر وقت پروانہ وار گھوما کرتے تھے
बानो। आलम पना। आलम पना। आलम को पनाह देने वाला आज खुद पनाह ढूंढने निकला है। इतनी जल्दी ये किस तरह हुआ क़िबला आलम? कुदरत के खेल हैं बानो। जामे जम न रहा, ताजे कैसरी न रहा। बस ये समझ लो, उरूज मेहर भी देखा तो दोपहर देखा। मुझे दिली अफसोस है जहां पना। उसकी यही मर्जी थी कि दो नाकाम मोहब्बत इसी बहाने से मिले। बानो, अब तो तुम्हारे उसूल उसूल नहीं रहेंगे। हमने सब कुछ हार कर तुम्हारी जिद जीत ली। या ये समझ ले जहां पना कि इश्क ने आखिरी मंजिल तय करके हुस्न का नामो निशान मिटा दिया। हर तरफ इश्क ही इश्क नजर आने लगा। शायर चीख उठा, हुस्न बेबुनियाद बाशद, इश्क बेबुनियाद नीस्त। बानो। मलिका आलम फरमाइए। मलिका, लेकिन बेताज की मलिका। सुभान अल्लाह, आपकी सितम जरीफी के कुर्बान। भला जहां पना ऐसे सरताज से बेहतर और कौन सा ताज कनीज के सर को जीनत बख्श सकता है? मलिका, एक मुद्दत के बाद मंजिल की तलाश में भटकते हुए काफिले, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जस्तजू में खोए हुए बहन भाई अमरकोट में एक दफा फिर मिले। और कितने मुबारक मौके पर मिले, जबकि हमीदा बानो के बतन से दुर-ए-नायाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुआ। चांद चमका, हो चांद चमका अंधेरे में, आज है हो मेरे राजा का जंगल में राज है। हो चांद चमका अंधेरे में, आज है हो मेरे राजा का जंगल में राज है। वतन का तू ताज है, हो मेरे
छाया का जंगल में राज बैठा, ओ चांद चमका अंधेरे में आज है, ओ मेरे राजा का जंगल में राज है, ओ चांद चमका। एक मुद्दत के बाद धुन का पक्का हुमायूं ईरान से मदद लेकर पलटा, उसने काबुल फतह किया, लाहौर फतह किया, दिल्ली फतह किया, आगरे में एक दफा फिर मुगल झंडा फलन कर दिया गया। अब वो आगे दोष होने के लिए आगे बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जन्नत मकानी की वसीयत पूरी हो गई। शहजादे, जन्नत मकानी ने इस झंडे को हमारे हाथों से बुलंद करवाया था, हम चाहते हैं कि आज इस झंडे को आप अपने हाथों से बुलंद करें। हिंदुस्तान का होने वाला फरमारवा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बढ़ा, कदम कदम पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की इमारत बनाता हुआ बढ़ा। उसने झंडा बुलंद किया, कुछ इस शान से बुलंद किया कि आज तक उसी शान से हम सबके दिलो दिमाग पर लहरा रहा है।